वर अबाउट टू स्टार्ट बीएफएस, आई थिंक कितना हुआ था लास्ट आपका, ये हो गया था लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, यस मैम, यहाँ तक हो यस गया मैम, था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो यस गया मैम। था। ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद दिस ड्राफ्ट रिवर्सल, बट बिफोर दैट, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया, एक बार फिर से इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ ग्राफ का। सो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, एम आई ऑडिबल, क्लियर है आवाज? तो यहाँ बाहर यस बहुत यस मैम, डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस आ रही है आपको भी? कुछ तो मैम क्लीनिंग ठीक चल रही है, है जस्ट अ सेकेंड, मैडम। जस्ट अ सेकेंड। So, what is a graph? Graph is always represented by capital alphabet G, which is a combination of V and E, where V is, what is V? V is Set of elements. V, capital V is set of vertices and E is a set of edges. So V is a set of vertices, which are vertices or nodes or points, and E is a set of edges. Each edge is represented by this abbreviation small alphabet, which is a combination of U and V. What are U and V? हाँ जी, क्या होते हैं U और V? U and V are points or vertices or nodes. Okay, suppose आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ है, दिस इज नोड U, V, W and X. Suppose these are the vertices and E is an edge. Suppose this is edge E1, E2 and third one is E3. अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है तो E1 क्या होगा? हाँ जी, am I audible? ये स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? मैम मैच होगा यू यू एंड वी, डी एंड व्हाट इज ई टू? मैम, वी को मैक्स, वी वी को कॉमा मैक्स। एक्स, वेरी राइट। सो इट विल बी स्मॉल वी कॉमा स्मॉल एक्स, एंड व्हाट अबाउट ई थ्री? एक्स डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू exactly. So E3 will be, FCS में भी ग्राफ्स हो गया आपका कंप्लीट? हाँ जी, FCS में भी है ना ग्राफ्स? तो मैम, अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ओके, वहां बचा पर है। भी हाँ ग्राफ्स चल रहा है ना। जी चलिए, हाँ, नाउ E इज सेट ऑफ एजेस। अब हमारे पास जो एज है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ क्या होगा ई में? हाँ जी, E1, सब कुछ भूल गया बेटा, E2, E3। E1, E2, E3। निहाल, आपने किया हुआ ग्राफ्स क्या? मैं ड्राफ्ट नहीं करा अभी। ग्राफ नहीं किया हुआ? ओके, तो आपके डेटा वो स्ट्रक्चर में आपने कितना किया था वहां पर पॉलिटेक्निक में बेटा? मैं देखना पड़ेगा, पर एक बार नोट्स देख लूंगा ना, ये बलविंद्र जो भेजेगा मुझे, तब मैं आपको बता अच्छा, पाऊंगा मैं कि क्या क्या करना। आपके उसकी बात कर रही हूँ, आपने एरेज किया हुआ है, हाँ मैं मैरिज करा था, लिंक लिस्ट, टैग्स, हाँ ये भी करा है, टैब भी करा है शायद, टैब कुछ नहीं होता बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैग्स, स्टैक्स। हाँ मैम, स्टैक्स करा है। क्यूज, हाँ क्वेरीज भी करी है। क्वेरीज? नहीं बेटा जी, क्वेरीज तो सीक्वल में आती है, डीबीएमएस का बात है, क्यूज की बात कर रही हूँ मैं, स्टैक्स, क्यूज, लीनियर डेटा स्टैक्स स्ट्रक्चर्स। करी है मैम, क्यूज भी करी है। ट्रीज किया आपने, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? नो मैम, ये नहीं करा शायद। ट्रीज नहीं किया हुआ, ओके। चलिए, ई इज अ सेट ऑफ एजेस, E1, E2, E3। तो निहाल, वी आर डूइंग दिस यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका, हमने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हम कर चुके हैं ट्रीज तक।
ग्राफ का पोर्शन मैंने आपको करवाया था, और आज फिर से मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। प्लीज इसको साथ साथ करना, ग्राफ्स को, सो दैट एक लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका साथ साथ हो जाए क्लास के। नाउ ई इज अ सेट ऑफ एजेस E1, E2, E3 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। वी इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। सो ये क्या होगा आपके पास, ग्राफ जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी एंड ई, और वी क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस एक्स सॉरी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स, एंड ई सेट ऑफ एजेस E1, E2, E3। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को इसमें? अब No, तो set of vertices V and set of edges E. Graph is always represented by G, which is equal to V and E. Now, next जो आती है आपके पास definitions आती है जो आपके exam में आती है. First आती है आपके पास degree of node. What is degree of node? Degree of node is always represented by DEG of U, which is number of edges containing U. नंबर ऑफ एजेस कंटेनिंग यू, चलिए अब इस ग्राफ की बात करते हैं। नंबर ऑफ एजेस कंटेनिंग यू, डिग्री ऑफ यू क्या होगा, हाउ मेनी एजेस आर कनेक्टेड टू दिस यू नोड? हां जी, नोड यू के साथ कितनी एजेस कनेक्टेड है? सिंगल नोड, सिंगल एज E1 इज कनेक्टेड, सो डिग्री ऑफ यू विल बी इक्वल टू 1। Now, degree of V. Just check how many edges are connected to V. Two edges, since two edges are connected to V, so degree of V will be equal to 2. Now, what about degree of X? 2. Since two edges E2 and E3 are connected to X, so degree of X is 2. Now, what about degree of W? 1. 1. Single edge E3 is connected. So, degree of this particular node W will be equal to 1. Yes, any doubt related to degree? Yes, students? Suppose no. There is one more node Y. Now, what will be the degree of Y? Zero. Since no edge is connected to Y, so degree of Y will always be equal to 0. The such type of node is called, node which has degree 0 is called isolated node. Node with degree 0 is called isolated node. Ye PPT visible hai na sabko? Yes. Chaliye. अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, हमने किया था पाथ की डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज पाथ? पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस ईच एडजेसेंट टू नेक्स्ट। सो इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ ईच एडजेसेंट टू नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। क्या होगा पाथ? ए बी डी सी, दिस इज द पाथ। नाउ लेंथ ऑफ दिस पाथ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस ऑन दैट पाथ। Simply count number of edges in this particular graph. How many edges are there? One edge is this, then four, second one, edge, then three. Four nahi hai Balwinder, three edges hai. Yes, sir. Three edges are there. So length of this path, A, B, D, C path, length kya hogi iski? Length will be equal to? A, B, D, C. Three. Length will be equal to 3. Length of such a path is number of edges on that path. Since there are 3 edges in this particular graph, so length of this path will be equal to? Yes, what will be the length? I have already written it, 3. So length of this path will be equal to 3. Now next is cycle. Cycle kya hota hai? A path from node to itself is called cycle. Hanji, kya hoga isme cycle? Suppose we are starting from node A. आपको क्या करना है, सिंपली एक ऐसा पाथ बनाना है जहां से आप वापस उसी नोड पर आ जाओ जहां से आपने स्टार्ट किया था। सो वन साइकिल इज ए बी सी एंड ए, इजंट इट? यस मैम। और सेकेंड साइकिल क्या बन रहा है यहाँ पर? ए बी सी ए, ए बी डी सी, डी सी ए। यस मैम। So there are two cycles. अगर मैंने node A से start किया,
So this type of path from node to itself is called cycle. आपको वापस क्या करना है, ए नोड से स्टार्ट करके ए पर आना है. वन साइकिल इज दिस एंड सेकंड साइकिल हमने जो बनाया है ए बी डी सी एंड ए. गॉट इट? ये साइकिल समझ आ गया सबको? यस मैम. चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? कनेक्टेड ग्राफ. नाउ ग्राफ इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स. चलिए अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमें कनेक्टेड ग्राफ देखना है. ए से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ए टू बी कोई एज है हमारे पास, सिंपल पाथ देखना है. कोई भी एज है फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्ट एज गिवन है. हाँ जी. यस मैम. ए टू सी जाना है, एज है. यस. ए टू ई. यस. ए टू डी कैसे जाएंगे? ए टू सी देन ए सी टू डी. सिंपल पाथ बन रहा है आपके पास. डायरेक्ट एज नहीं है बट वायर अनदर नोड यू कैन रीच टू एनी नोड. सो ग्राफ इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सिंपल पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स. अब आप किसी और नोड के लिए चेक कर लीजिए. चलिए बी से स्टार्ट करते हैं. बी टू ए ट्रेवर्स कर सकते हैं ये स्टूडेंट्स? बी टू ए जा सकते हैं? डायरेक्शन तो गिवन नहीं है ना, इजिली जा सकते हैं. हाँ जी, क्या हो गया आज? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा. हम जा सकते हैं? जा सकते हैं. बी टू ए आपके पास पाथ है. बी टू सी? यस मैम, जा सकते हैं. बी टू डी? जा सकते हैं मैम. कैसे जाएंगे? बी से सी, फिर सी से डी. एग्जैक्टली. नाउ व्हाट अबाउट बी टू ई? डी टू ई मैम सीधा चला जाएगा डायरेक्ट में. बी टू ई एज है? बी मैम, बी टू ई में पहले बी से सी जाएगा, फिर सी से ई जाएगा. सी से ई जाएगा. इट मींस हमारे पास बी से भी अगर हमें ट्रैवर्स करना है किसी और नोड तक, सो वी कैन इजीली ट्रैवर्स यूजिंग दिस. नाउ व्हाट अबाउट सी? सी टू ए पाथ पॉसिबल है? यस मैम. सी टू बी मैम है. सी टू डी? यस मैम. सी टू ई? यस मैम है. है. चलिए डी की बात करें. डी टू ए ट्रैवर्स कर सकते हैं? यस मैम, कर सकते हैं. कैसे करेंगे? डी से ई, फिर ई से ए. नाउ डी टू बी जाना है, कैसे ट्रैवर्स करेंगे? वन डी से डी टू बी. इसके अंदर हम अगर जाना हो डी से ए में, फिर हम डी से सी और सी से ए जा सकते हैं? डी से सी? सी बिल्कुल जा सकते हैं. अभी तो हम डी से बी गए ना, डी टू सी एंड देन सी टू बी. नेक्स्ट डी टू ए ट्रैवर्स करना आपने बताया, डी टू सी एंड देन सी टू ए. यस वी कैन ट्रैवर्स एंड डी टू ई, देयर इज डायरेक्ट पाथ. सो किसी भी नोड में अगर आप चेक करोगे देयर इज अ डायरेक्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इन ग्राफ. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ. सपोज आपके पास यहाँ पर एक और नोड है, दिस नोड इज सपोज वाई. हाँ जी, अब बताइए ए टू वाई पाथ पॉसिबल है? नो मैम. बी टू वाई? नो मैम. नो. इट मींस दिस टाइप ऑफ ग्राफ अगर हम इसको भी कंप्लीट ग्राफ में कंसीडर करेंगे इंक्लूडिंग दिस वाई, सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ, इजंट इट? यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंप्लीट ग्राफ. अब कंप्लीट ग्राफ में क्या आता है? अ ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट इफ एवरी नोड U in graph is adjacent to, just a second. हाँ जी, every node U in graph is adjacent to in every other node in graph, and this type of connected graph will have n into n minus 1 by 2 edges. Now check number of nodes. अब यहाँ पर आपके पास ये suppose मैंने इस graph की labeling की A. चलिए A, B, C, I, D. A to B, edge है? Yes, no, please जल्दी respond करना पड़ेगा. Yes, ma'am. A to B कोई edge है? Yes. A to C? Yes, ma'am. A to D? Yes. B to A? B to A, yes, ma'am. B to C? Yes, ma'am. B to D? Yes, ma'am. C to A? Yes, ma'am.
सी टू बी यस मैम सी टू डी यस नाउ चेक डी टू ए डी टू बी डी टू सी सब में आपके पास पाथ पॉसिबल है नाउ नंबर ऑफ एजेस इन दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू एन इनटू एन माइनस वन बाय टू where n is number of nodes. How many nodes are there in this particular graph? Jo abhi humne four nodes are there. So simply put, n is equal to 4. What will you get? 4 into 4 minus 1, that is equal to 3 by 2. That will be equal to 6 aa jayegi value. Now count number of edges in this graph. Kitni edges given hai? 6. 6 edges are there. 1. 2, 3, 4, 5, and this one is 6. So total 6 edges are there. Aur formula kya kehta hai? This is important property of complete graph, that a complete graph will always have n into n minus 1 by 2 number of edges. It means total number of edges according to this graph will be equal to 6. Hanji, samajh mein aaya property? Very important yes, property of complete graph. So next is tree graph, free graph or tree. A graph T without any Yes, Anshti. A connected graph T without any cycle is called tree graph, free graph or simply tree. Tree graph, free graph or simply tree is a graph which have no cycle. Now in a tree graph, suppose m number of nodes are there, then this graph will have m minus 1 edges. Ab ye jo aapke paas graph hai, niche aap check karke bataiye, jo graph given hai, kya koi cycle ban raha hai? What is cycle? Cycle nahi ban raha. Cycle kya hota hai? Mam, cycle hota hai, matlab agar hum a se... m is equal to 6 in this formula. What will you get? How many edges should be there according to this formula? 6 minus 1 equal to 5. Just count number of edges in this graph. Kitni edges? 5. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 edges are there. So this is the property of tree graph, that a tree graph will always have m minus 1 edges, where m is number of nodes. Next aata hai aapke paas labeled graph or weighted graph. Agar aap simply kya karte ho, edge ke upar koi bhi label assign kar dete ho. Jaise humne ye aapka koi ek graph liya, 1, aur iske beech mein ye connection hai, suppose 2 and 3. Suppose is graph mein maine labeling kar diya yahan par edge ke liye a, b, C, then this type of graph is called labeled graph, जहाँ पर आपने labeling किए. But अगर इसके ऊपर हम कोई weights assign कर देते हैं, non-negative weights means non-negative numeric value is assigned to edges, then this type of graph will become weighted graph. A weighted graph हम कहाँ use करते हैं? In case of spanning tree, short हाँ जी, so weighted graph कहाँ है? ये जो नीचे आपका graph बना हुआ है, yes, am I audible? Yes ma'am. Yes students, ये hotspot में ना ये बड़ा issue आता है यहाँ college में, कि ये जैसे ही call आती है बीच में मेरा disconnect हो जाता है. हाँ जी, अब यहाँ पर क्या है, weighted graph में non-negative numeric value हमने यहाँ पर assign किए, 3, 4, 2, 3, 6, वेट्स असाइन किए हैं, तो ये कैसा ग्राफ है? वेटेड ग्राफ. हां जी, डिफरेंस समझ में आया, लेबल्ड ग्राफ, वेटेड ग्राफ. यस मैम. नेक्स्ट इज मल्टीग्राफ. अ मल्टीग्राफ क्या था? अ ग्राफ इज कॉल्ड मल्टीग्राफ इफ इट कंटेन्स मल्टीपल एजेस एंड लूप्स. मल्टीपल एजेस और सेकंड नेम क्या था मल्टीपल एजेस के लिए, याद है किसी को?
हाँ जी, बिल्कुल नहीं याद। याद है मैम, वो थोड़ा सा 1 वीक का वो हो गया ना डिले, तो थोड़ा सा 1 वीक का डिले, ये तो हमने एग्जाम से पहले किया था, बहुत लंबा ब्रेक आ चुका है। मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस, पैरेलल ओके। एजेस लाइक नहीं ई फोर नोट एंड ई किया फाइव। हुआ, यस हाँ जी हाँ, नहीं नोट किया हुआ, देन प्लीज अपने नोट्स में ना इसको ऐड कर लो। मल्टीपल एजेस आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल एजेस, सो मल्टीग्राफ विल कंटेन मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस। सेकंड थिंग, इट विल कंटेन लूप। नाउ व्हाट इज पैरेलल एज और मल्टीपल एज? टू एजेस ई एंड ई डैश आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस इफ दे कनेक्ट विद द सेम एंड पॉइंट। नाउ सेम एंड पॉइंट मीन सेम वर्टिसेस को अगर आपके पास दो एजेस कनेक्ट कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ एजेस कॉल्ड मल्टीपल एज और पैरेलल एज। नाउ इन दिस ग्राफ E4 एंड E5 आर कनेक्टेड टू सेम वर्टिसेस BC, इजंट इट? E4 इज इक्वल टू BC एंड E5 इज आल्सो इक्वल टू BC बिकॉज़ इनके एंड पॉइंट सेम है। सो E4 एंड E5 आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस। एंड लूप क्या होता है? सेम लूप आइडेंटिकल एंड की। पॉइंट, अगर सेम एंड पॉइंट पर आपका आ रहा है कोई एज तो वो क्या बन जाएगा? लूप। नाउ इन दिस ग्राफ क्या है आपके पास? लूप E5, E5, चेक कर E6, लो। E6, E6 है E6, और उसकी वैल्यू क्या है? हाँ जी, वर्टिसेस D, कौन सी हैं? D कॉमा D। D कॉमा D। सो दिस इज लूप। और कोई भी ग्राफ होगा आपके पास, इफ इट कंटेन मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? लूप होगा, देन दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। क्लियर है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट यस टॉपिक मैम। है। चलिए, डायग्राफ क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ। हाँ जी, क्या था डायग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ? उसमें हाँ डायरेक्शन जी, इज गिवन। डायरेक्शन अगर लगा दी उसके अंदर, एरो से आपके पास कनेक्टेड है, तो ये क्या बन गया आपके पास? डायग्राफ और डायग्राम। डायरेक्टेड ग्राफ और सिंपली अ ग्राफ। नाउ डायरेक्टेड ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड डायग्राफ और ग्राफ। क्या होता है? डायरेक्शंस गिवन होती है। डायरेक्शन गिवन में सॉरी नो डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा? सपोज इस टाइप का कोई ग्राफ है, इस टाइप से आपके पास डायरेक्शंस गिवन होंगे यहाँ पर। नाउ डायग्राफ में हमने की थी फोर डेफिनेशन। फर्स्ट इज आउट डिग्री ऑफ नोड। आउट डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाय आउट यू इज द नंबर ऑफ एजेस बिगिनिंग एट यू। मींस आउट डिग्री कैसे, सपोज ये नोड है और यहाँ से आपके पास 3 एजेस निकल रही हैं। लेमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, जितने एरोज उससे बाहर आ रहे हैं ना उतनी इसकी आउट डिग्री है। हाँ जी, व्हाट विल बी द आउट डिग्री ऑफ दिस नोड? नंबर ऑफ एजेस बिगिनिंग एट यू फॉर दिस पर्टिकुलर नोड ए, व्हाट विल बी द आउट डिग्री? Yes, what will be the out degree? Am I audible? थ्री See, 3। बार बार ना मुझे लगता है बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया है क्या? अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता प्लीज रिस्पॉन्ड तो किया करो। हाँ जी, व्हाट अबाउट इन डिग्री? व्हाट इज इन जीरो डिग्री? इन डिग्री इज ऑलवेज जीरो रिप्रेजेंटेड बाय INDEG ऑफ पर्टिकुलर नोड यू। सपोज देयर इज नोड बी and 3 edges are coming towards or to you can say 2 edges suppose इसके towards आ रही है, so what will be the in degree for this particular node B? टू टू। जितने arrows ना अंदर आ रहे हो उतनी in degree है उसके, layman language में यही बोलते हैं। Now what is source? Source is a node with positive out degree but zero in degree, and sink क्या था? If it has zero out degree but positive in degree. Now, node is called reachable from node U if there is a directed path from U to V, and the graph is called connected or strongly connected if for each pair UV of node in graph there is a path from U to V
एंड देर इज ऑल्सो अ पार्ट फ्रॉम वी टू यू कनेक्टेड में आपको पता है कि ऐसे ही होता है. अब सपोज ये ग्राफ है आपके पास. ओके नाउ डायग्राफ इज कॉल्ड सिंपल इफ इट हैज नो पैरेलल. चलिए पहले इस ग्राफ में बताइए पैरेलल एजेस कौन सी है. चलिए पहले तो बताइए ए के करस्पॉन्डिंग इन डिग्री क्या है. 2 mm. इन डिग्री ए इज 2. व्हाट अबाउट आउट डिग्री मैम. 0. ये एक यहाँ पे मैम सोर्स है. एक किसने कहा आउट डिग्री 0 है. 1 को 0 कैसे बनाया. चलिए बी के करस्पॉन्डिंग इन डिग्री 1 बेटा आपने E7 को कंसीडर नहीं किया मैम. डी क्या ना आपने बी बी ओ सॉरी ओके मैम 2. B के corresponding in degree is 2. What about out degree? Out degree, mem 3. 3. 4. सोच लो. 4 है मैम. वो उसको in degree, out degree दोनों consider करते हैं. In degree, out degree loop दोनों में consider होगा आपका. 4 होगा. तो B के corresponding out degree क्या हो जाएगी? 4. 4. 4. And what about node C in degree? 2. 2. आउट डिग्री 0. यस मैम 0. डी इन डिग्री 1. आउट डिग्री 2. चलिए अब बताइए इस ग्राफ में सोर्स कोई है. मैम सी होना चाहिए. सी सोर्स. सोच के बोला करो भवदीप. मैम एक मिनट. मैम सिंक है ये. सिंक है ना सोर्स और सिंक. सोर्स नहीं है इसमें. सोर्स कोई नहीं है. सिंक है. सी इज सिंक सिंस इन डिग्री ऑफ सी इज 2 एंड आउट डिग्री ऑफ सी इज 0. और कोई भी ऐसा नोड है जहां पर आउट डिग्री 0 है दैट टाइप ऑफ नोड इज कॉल्ड सिंक. तो इस ग्राफ में कोई भी सोर्स नहीं है बट देयर इज वन सिंक नोड व्हिच इज सी. नाउ डायग्राफ इज कॉल्ड सिंपल इफ इट हैज नो पैरेलल एजेस. क्या ये सिंपल है. No. Parallel edges support कर रहा है E2 and E3. But अगर कोई भी ऐसा ग्राफ है जहां पर आपके पास कोई parallel edge नहीं है but एक loop है. Only one loop can be there. So simple graph may have loops but it cannot have more than one loop at a given node. एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो वो क्या होता है आपके पास simple graph. Next क्या आता है आपके पास graph representation. हमने किया था graph representation में there were two types of representation sequential and linked list representation. अब sequential में क्या करते हैं. कोई matrices use की थी हमने. कुछ याद आया. Adjacency and path matrix. Adjacency matrix and path matrix. Very right. So first is sequential representation of graph. It can be done with the help of two matrices. One is your adjacency matrix and other is path matrix. Now what is adjacency matrix. Adjacency matrix is represented by capital alphabet A. It is always represented by capital alphabet A, which is equal to Aij. और इसमें क्या आती है Aij की value. It has value 1. If Vi is adjacent to Vj, it means there is an edge Vi Vj. Then its value will be equal to 1. Otherwise, its value will be equal to 0. Now, this type of matrix which contain only 0 and 1 is also called, kya tha another name? Confuse karne ke liye exam mein aa jata hai. Bit matrix or Boolean matrix. Bit matrix, Boolean matrix, adjacency matrix, all are the same things. Question chhod kar nahi aate. Hanji, clear hai? Ab aapke paas ye graph hai. Iske corresponding adjacency matrix banani hai. Kaise banate hai? आपको जिस ऑर्डर में लेना है उसी ऑर्डर में आप वहां पर लेंगे रोज में और हाइट में एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू. याद है सबको कैसे बनाई थी. यस मैम. यस कुछ याद आ गया. एक्स वाई जेड डब्ल्यू. सिमिलरली मुझे तो लगा था मैं बीएफएस कंप्लीट करवा दूंगी. यहाँ तो आप लोगों को कुछ याद ही नहीं आ रहा ग्राफ्स में. ऐसे लग रहा जैसे पता नहीं कब किया था. हाँ जी अभी तो एफसीएस में भी कर रहे हो बच्चे. चलिए x टू x कोई नोड है. x टू x 0 x टू x
जीरो एक्स टू वाई वन एक्स टू वाई ओके सॉरी हलीम केयरफुली चेक करेंगे डायरेक्शन गिवन बेटा एक्स टू वाई जीरो एज है एक्स टू जेड अगेन जीरो एक्स टू डब्ल्यू एज है वन वन नाउ वाई टू एक्स वन y to y oh zero y to z one y to w one चलिए next z to x one हमेशा आप ऐसे ही check करोगे row to column लेकर के करना z to x one z to y zero next z to zero. w one w to x zero W to Y, W to Z, W to W, 0. ये कैसे मैट्रिक्स बन गई आपकी? कौन से मैट्रिक्स है ये? एडजेसेंसी मैट्रिक्स. अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करनी है? पाथ मैट्रिक्स. पाथ मैट्रिक्स से पहले क्या फाइंड आउट करना होता है? A स्क्वायर, A क्यूब, A रेस्ट टू पावर 3 और A रेस्ट टू पावर 4. क्यों करते हैं बेटा? A रेस्ट टू द पावर 4 तक ही क्यों किया? 5 क्यों नहीं किया? 6 क्यों नहीं किया अर्ली? नंबर ऑफ नोड्स आर 4, दैट्स व्हाई हमें कंप्यूट का क्या करना है? B4 की वैल्यू कंप्यूट करना है. सो हमने क्या किया? B4 के लिए वी नीड a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज़ टू द पावर 4. सिंपली ऐड दीस वैल्यूज a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a रेज़ टू द पावर 4 सिंस नंबर ऑफ नोड्स आर 4 इन दिस केस. सो वी हैव कंप्यूटेड B4 और ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास. ये अब पाथ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? इससे जहां पर भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं सिंपली 1 से रिप्लेस कर दो, 0 एज इट इज. सो G इज अ ग्राफ विद m नोड्स. आपके पास पाथ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P और इसकी वैल्यू क्या होती है? आपके पास कैपिटल P इज इक्वल टू Pij. इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम Vi टू Vj देन इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, अदरवाइज इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. तो आपको क्या करना है इस मैट्रिक्स के अंदर? आपको इसको रिप्लेस कर देना है. सिंपली न्यूमेरिक वैल्यूज को 1 से रिप्लेस कर दो, यू विल गेट पी मैट्रिक्स, दैट इज पाथ मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट क्या था हमारे पास? लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट? ओनली 2 मिनट्स. चलिए ये कंप्लीट हो जाएगा. नाउ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में आपके पास क्या था? व्हाट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन? डिक्टेट कराया था मैंने आपको क्या डिसएडवांटेज है. हाँ जी, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में डिसएडवांटेज क्या था? हम उसमें नोड इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकते थे. नोड इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते, बट ये जो है ये हेक्टिक हो जाएगा. सिंस अगर मैंने यहाँ पर एक और नोड इंसर्ट कर दिया, अगेन आपको यहाँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अगेन पाथ मैट्रिक्स के लिए आपको ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नोड इंसर्ट किया तो ए 5 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करोगे, फिर आपका बनेगा पाथ मैट्रिक्स, इजंट इट? हाँ जी, ऐसा ही होगा ना? यस मैम. तो नंबर ऑफ चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते, वी कैन इजिली डू दैट, बट हेक्टिक हो जाएगा. नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करने पर आपकी मैट्रिक्स चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका ए 5 भी कंप्यूट होगा, बी 5 भी कंप्यूट होगा, पाथ मैट्रिक्स भी रीकंप्यूट होगी. डिलीट किया नोड, अगेन सेम प्रोसीजर विल बी देयर. मैट्रिक्स एडजेसेंसी भी बनेगी, बी मैट्रिक्स भी आपके पास दोबारा बनेगी, पाथ मैट्रिक्स भी दोबारा बनेगी. सो दिस वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन. सिंस इट्स डिफिकल्ट टू इंसर्ट और डिलीट अ नोड, क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स साइज है दैट विल बी चेंज्ड एंड रीऑर्डरिंग विल बी देयर. सो दैट्स व्हाई वी यूज क्या यूज करते हैं? लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. क्या इजी आ जाता है यहाँ पर? इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर है एडजेसेंसी लिस्ट, और एडजेसेंसी लिस्ट में क्या आते हैं आपके पास? एडजेसेंट नोड्स. एडजेसेंसी लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ एडजेसेंट नोड्स, आल्सो कॉल्ड सक्सेसर्स और नेबर्स. ये नोट करवाया था मैंने. Yes, नोट कर लो. एडजेसेंसी लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ adjacency list is the list of adjacent nodes, also called successors or neighbors.
Adjacency list is the list of adjacent node, also called successors or neighbors. अब क्या करते हैं, A से adjacent कौन कौन से हैं, simply direction check करेंगे A to B, then C and D, जहां पर भी direct edge मिल रही है वो adjacent nodes आ गए. B to C, B के adjacent कौन सा है, C, C के adjacent कोई भी नहीं है, nil है value. D, C, E and E. ओके, मैंने ऐसे जल्दी ले ली क्लास, आई थॉट 11 o'clock था. मैंने बिस्मन से पूछा कि आपका कोई टाइम टेबल चेंजेस आए हैं. चलिए जल्दी हो गई आज तो क्लास. ए सी आर अटेंडेंस ले ली थी आपने? यस मैम, अटेंडेंस हो गई थी. गगन आपको कैसे पता सीआरएस ने स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया? मैम अभी नहीं हुई अटेंडेंस. हुई नहीं, सीआरएस ने लिया? कहाँ गए, ये सीआरएस ही नहीं है. बिस्मन मैम हो गई है, हो गई है. बिस्मन का तो कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा, कहाँ गए? यस मैम हो गई अटेंडेंस. चलिए 36 पार्टिसिपेंट्स, बाकी सब कहाँ भाग गए हैं. चलो अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. हाँ जी, रीजॉइन लिंक जब आता है ना तो ज्वाइन करने में टाइम लग जाता है बाकी सबको. ओहो, एक पार्टिसिपेंट कम हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ, कम हो गया यार. चलिए अब इसमें क्या था, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में याद आ गया एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाते हैं. ये समझ आ गया सबको कैसे बनाई है? सिंपली डायरेक्शन चेक करेंगे. विदाउट डायरेक्शन एडजेसेंसी लिस्ट इज नॉट पॉसिबल. एक बार मैंने आपको बताया एग्जाम में ऐसे ही मिस्टेक आई थी, क्वेश्चन में डायरेक्शंस अप्लाई करना एग्जामिनर से स्किप हो गया. तो वहां पर आप क्या करते हो, स्टूडेंट्स क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं. छोड़ना नहीं है आपको, अपने आप डायरेक्शन असाइन करनी है और अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो भी एडजेसेंसी लिस्ट बनती है वो लिस्ट आप यहाँ पर बनाकर आओगे. ओके, सिंपली अप्लाई डायरेक्शंस. और उस केस में क्या होगा, अगर ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो हर स्टूडेंट के लिए एडजेसेंसी लिस्ट डिफरेंट बनेगी, क्योंकि डायरेक्शंस आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर रहे हो. अब एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है. सो फर्स्ट विल बी नोड लिस्ट व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पार्ट्स. व्हाट फर्स्ट इज नोड नेम, देन नेक्स्ट इज अ पॉइंटर व्हिच विल पॉइंट टू नेक्स्ट नोड, एंड एडजेसेंट नोड्स जो आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट के हैं. Edge list will contain two parts, destination as well as link. Now destination will point to node. कैसे बनेगा, start adjacency list में आपके पास जो values थी, जो भी nodes थे A, B, C, D, E, उनके लिए क्या बन जाएगी, part node list. Next is a pointer which will point to next node. So in case of A, next pointer will point to node B, and then B to C, C to D, and then D to E. Just a second. हाँ जी, अब A2 आपके पास क्या है एज लिस्ट में, हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन एडजेसेंसी लिस्ट? प्लीज रिपीट. How many nodes were there in adjacency list for node A? Three. सामने है three, B, C and D. तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास edge list में क्या आ जाएगा, three nodes, three edges will be there. One, two and three. कौन कौन से थे, B, C, D. तो एक pointer हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, from edge list to B and then C and D. Link याद आ गया सबको कैसे बनाने हैं? Yes, ma'am. चलिए अब B के corresponding adjacency list में कितने nodes हैं? One, C. One, only C. So single node will be there. और single node किसके साथ connected होगा? C के साथ. C. अब C के साथ adjacency list में क्या था? None. Adjacent nodes, null.
nil है यहाँ पर, तो nil के केस में क्या होगा, सिंपली यहाँ पर एक null pointer will be there at the end. D के corresponding there are two nodes C and E, so one pointer will point to C and other pointer will point to E, and E के corresponding एक ही node था, that was C adjacent node, तो ये बन गई आपके पास linked list representation. हाँ जी, ये clear है सबको? Yes ma'am. अब नेक्स्ट क्या है, ग्राफ ट्रैवर्सल. नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बीएफएस डीएफएस, एक एक लेक्चर लगता है इसको करने में. सो ये एल्गोरिथम करेंगे और एक हम करेंगे इसमें दो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम और हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसे. एनी डाउट जितना हमने अभी रिवाइज किया, क्योंकि आज कुछ न्यू हमने नहीं किया. हाँ जी बोलिए मैम. सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन का डिसएडवांटेज बता रहे थे, वो रिपीट कर दो. सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में भवदीप क्या था, अगर मैंने सपोज यहाँ पर एक नोड इंक्रीज कर दिया, हाँ जी एक और नोड बना दिया, उसके साथ एजेस कनेक्ट कर दिए, वन एंड टू, चलिए अब अगर ये बन गया तो मैट्रिक्स दोबारा बनेगी ये वाली. यस मैम. अब ये मैट्रिक्स दोबारा बनेगी, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ पर, फाइव. यस मैम. तो बी फाइव कंप्यूट करना पड़ेगा. इट मींस एक मैट्रिक्स तो ये ए बनानी पड़ेगी, इसके साथ ए स्क्वायर भी दोबारा निकालोगे, ए क्यूब भी दोबारा से निकालोगे, ए रेस टू द पावर फोर भी निकालोगे, ए रेस टू द पावर फाइव भी फाइंड आउट करोगे. इन सबको एड करोगे, यू विल गेट बी फाइव मैट्रिक्स. अब इस yes, B5 को फिर से आपको पांच मैट्रिक्स बनाने के लिए वन से रिप्लेस करना पड़ेगा. टास्क क्या होगा, काफी टीडियस हो जाएगा. yes, ma'am. एक नोड डिलीट करना, अगेन रिकम्प्यूट करना पड़ेगा. ए मैट्रिक्स भी दोबारा बनेगी, ए स्क्वायर भी, ए क्यूब भी, isn't it? Yes, ma'am. तो ये क्या है, दिस वाज द डिसएडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारा टास्क जो है काफी बढ़ जाता है इंक्रीज डिक्रीज करने से. दैट्स व्हाई वी यूज लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. ओके ओके मैम. लिंक्ड लिस्ट में तो इजी है ना, एडजेसेंसी लिस्ट है, एक नोड इंक्रीज किया वहां पर सिंपली लिखना है आपको, डिलीट किया है तो डिलीट हो गया एडजेस. यस मैम.
भाई बलविंदर होस्ट बन गया और क्लास एंड नहीं है। वरना इसलिए तो हुआ ही नहीं, फ्रेंड कैसे करें। हाँ यार अब क्या हो गया यार, मैम को दोबारा बोला, मैम को क्या, मैम इमरजेंसी जल्दी आओ। अंकुर कहाँ है? छोड़ भाई बंद कर जल्दी, अंकुर ही नहीं है भाई। भाई कोई नहीं भाई, अगली क्लास में सबसे पहले हैव अ नाइस डे बोल देंगे, अभी एंड कर देते हैं। अंकुर कह रहा है तू कर दे। भाई यार हाँ उसे के पहले हैव अ नाइस डे करे, उसके बाद होती है एंड। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे बलविंदर। Have a nice day, भाई। फोन भी नहीं आ रहा मैम को। चलो एंड कर दो फिर, क्या रखा है क्लास में। रुक जाए एक सेकंड। बलविंदर बैठेगा भाई, लीव कर रहा हूँ मैं, बाकी जिसने जाने चलो भाई। Bye-bye.